बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो पिछले वीडियो में मैं आपको शॉर्ट्स नहीं दिखा पाया हंटिंग का, तो इंशाल्लाह इसी वीडियो में कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरीके से यानी कि कुछ वीडियो दिखाएं। तो इस बार इंशाल्लाह अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से आए हुए हैं शिकार करने के लिए। तो पिछले दफ़ा थोड़ा सा मसला आ गया था, इसलिए आपको नहीं दिखा पाया। इंशाल्लाह अभी आपको ना, आपने हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक छोटा सा कमेंट कर देना है, शुक्रिया। तो अभी इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, आप देख रहे हैं दरिया पे, जो कि हमारे गुड्डू बराज के साथ ही है। तो हम क्या क्या चीज़ें लेके आए हुए हैं वो भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ। मेरे हाथ में शॉटगन है, ये देख रहे हैं आप अभी, और क्या चीज़ है ये भी लेके आए हुए हैं, आपको दिखाते हैं। चले, ये हमारी झोपड़ी है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं लांडी, तो उर्दू में शायद इसको झोपड़ी कहेंगे, मुझे पता नहीं है। आपका पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर बता देना। ये हमारी झोपड़ी है, देखें, यहाँ पे दरअसल लड़के हैं हमारे, कुछ शिकार खेल रहे हैं, वो दूसरे परिंदे का जो अरबी ले जाते हैं उसका शिकार खेलते हैं, उनकी झोपड़ी है ये। इन्होंने हमें कॉल किया है, इनके पास ही हम आए शिकार के लिए। तो ये इधर ही होते हैं तकरीबन, काफ़ी दिनों से इधर ही हैं, हम अभी आए हैं। बाकी मेरे जो सात लोग हैं वो आगे चले गए हुए हैं, वो उधर। और ये कश्ती है, ये मछेरे हैं शायद, मछली मारने के लिए जाल बिछा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, हम क्या क्या चीज़ लेके आए हुए हैं खाने के लिए और हंटिंग के लिए आपको दिखाते हैं। ये है ब्लैंकेट, जो रात वो सर्दियाँ होती हैं तो इसलिए ये लेके आए हैं, सर्दी लगती है। और ये बैग मेरा, जिसमें मैं अपने कपड़े लेके आया हूँ। उसके अलावा घी, मसाले, चीनी और साथ ही साथ प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और ओलपर का दूध, उसके अलावा दही पैकेट वाली, कुछ आलू भी पड़े हुए हैं। कभी कभार शिकार नहीं भी लगता तो ये मजबूरी खाने पड़ते हैं। उसके साथ और भी चीज़ हैं, वो आहिस्ता से आपको मैं दिखाता हूँ। हम अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं शिकार वाली जगह पे। मामू जान मोर्चा बना रहे हैं, साथ में मेरा प्यारा कज़न, मेरा प्यारा कज़न ये भी हैं, और मामू जान। हम अभी फ़िलहाल मोर्चा बनाएंगे, मोर्चे बनाने के बाद फिर डिकॉयज बिछाएंगे, सारा कुछ आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाते चलेंगे इंशाल्लाह। आपने वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों, दरिया के बीच में अभी प्यास लगा मुझे, तो पानी कहाँ से पिए। काफ़ी सारे दोस्त हैरान भी होंगे कि दरिया के बीच से, दरिया में आके लोग पानी कहाँ से पीते हैं, वो तो मैला है पानी है। मैं आपको दिखा दूँ, उस तरफ जो है ना, वो दरिया बिल्कुल दरिया में ना, उस तरफ वाकई मैला पानी है। लेकिन कहीं कहीं पर कहीं पर पानी रुक भी जाता है ना, तो वहाँ पे माशाल्लाह साफ़ हो जाता है इतना, ऐसे कि जैसे फ़िल्टर का पानी है। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये पानी है, अभी मैं इसे पीऊँगा, कितना क्लियर पानी है, साफ़ है बिल्कुल, फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए क्लियर साफ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से हमारे डिकॉयज जो है ना, वो बिछ गए, बिछा दिए, बिखेर दिए। तो आज हम मोजो लेके नहीं आए, मोजो ले गया, मोजो जिसे हम परपरी बोलते हैं वो ले गया एक दोस्त, दूसरी जगह पे गया शिकार के लिए। दो थे हमारे पास, वो ले गए दोनों ही, हम फ़िलहाल खाली हैं, लेकिन अल्लाह मालिक है। तो इस तरफ हमारा जो है ना मोर्चा बन के तैयार हो चुका है, आपको दिखाते हैं। हाँ मामू, तैयार खड़े हैं शिकार के लिए? बिल्कुल, ये मोर्चा बन गया है बाहर से,
आपको मैं अंदर से भी दिखाता हूँ अभी भाई, अभी इसके अंदर चलते हैं, अंदर से आपको दिखाते हैं। रिपीटर, दूसरा रिपीटर साथ में, ये बोली जो पिछले दफ़ा हमारे पास था नहीं तो मसला बन गया हुआ था, ये वाला इस तरफ डबल बैरल बंदूक, ये अंदर से कुछ ऐसे है, ऐसे हम वीडियो भरेंगे इंशाल्लाह। तो अभी बैठ के इंतज़ार करते हैं, सारा कुछ सेट कर दिया है, मुर्गा भी होंगे, इंतज़ार करते हैं, जैसे आते हैं इंशाल्लाह फायरिंग करेंगे, आपको भी दिखाएंगे।